तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के ब्रांड न्यू सीजन जिसका नाम है C1S1 यानी कि साइकिल 1 सीजन 1 के अंदर आए हुए काफी सारे सीजनल इंप्रूवमेंट्स। एंड आई एम श्योर गाइज कई सारे तो आपने ऑलरेडी नोटिस भी कर लिए होंगे एंड कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसको लेके आपके माइंड में डाउट था, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। C1S1 के टीयर रिवॉर्ड्स की बात करें तो गाइज इस सीजन के साथ हम लोग को अब ब्रॉन्ज एंड सिल्वर टीयर पे भी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एंड अगर बात करें एस टीयर की तो पहले गाइज एस टीयर पे पहुंचने पे सिर्फ एक पैराशूट मिलती थी, बट अब एस टीयर को सब डिवाइड किया गया है और अलग अलग टीयर्स में, जिनका नाम है एस, एस मास्टर एंड एस डोमिनेटर, जिनमें आपको मिल जाएंगे एस पैराशूट, 10 क्लासिक क्रेट के कूपन स्क्रैप्स। एंड अगर आप लोग एस डोमिनेटर टीयर पहुंच जाते हो तो आपको मिल जाएगा C1S1 एस डोमिनेटर अवतार। एंड अगर हम लोग बात करें मिनी टीयर्स की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी सारे रिवॉर्ड्स है जो आपको इंक्रीज करके दिए गए हैं। जैसे आप एवरी 100 पॉइंट्स आप रैंक अप करोगे तो आपको यहाँ पे नए नए रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे जो इंक्लूड करते हैं एजी करेंसी, सप्लाई कूपन के स्क्रैप्स एंड सिल्वर फ्रेगमेंट्स। यही सिलसिला आगे डायमंड टीयर पे भी चलता रहेगा, बट यहाँ पे आपको क्लासिक कूपन के स्क्रैप्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम लोग बात करें एस टीयर की तो गाइज फ्रॉम 4200 पॉइंट्स टू 4700 पॉइंट्स इज एस, 4700 से 5200 इज एस मास्टर। एंड अगर आप 5200 के आगे चले जाते हो तो आपको मिल जाएगा एस डोमिनेटर। एंड यहाँ पे हर एक एस टीयर के सब टीयर्स के अंदर भी आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एंड एस डोमिनेटर पे तो आपको एक्सक्लूसिव टीम अप का स्पेशल इफेक्ट भी मिल जाएगा एंड ये इफेक्ट लास्ट करेगा फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सीजन। एंड अब हम लोग बात करते हैं चैलेंज पॉइंट सिस्टम के बारे में जो इस सीजन में न्यूली इंप्लीमेंट की गई है। एंड मुझे पता है इसके बारे में आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे, तो सारे डाउट्स अभी आपके क्लियर कर देता हूँ। तो क्या चैलेंज पॉइंट सिस्टम में एग्जिस्टिंग इन गेम रूल्स, जहाँ पे हम लोग रैंक पुश करते हैं तो हम लोग को प्लस या फिर माइनस लगता है, वो रूल्स तो अप्लाई करेंगे ही, बट इसी के साथ गाइज आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर इन गेम एक्शंस। तो गाइज अभी कौन सी इन गेम एक्शंस है, तो गाइज जब भी आप लोग क्लासिक मैच खेलते हो रैंक पुश करने के लिए अपने स्क्वाड के साथ, तो अगर आप उस मैच को बिना किसी गलत काम के यानी कि गेम को आधे में ही छोड़ के चले जाना या फिर अपने ही टीममेट को नेड या फिर मॉली से खत्म कर देना, तो अगर आप लोग ये सारी चीजें करे बगैर मैच को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आपको चैलेंज पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड इसमें ये नहीं मैटर करेगा कि आपका सर्वाइवल टाइम कितना है, यानी कि आप उतरते ही खत्म हो गए लॉबी में चले गए या फिर आपने 20 मिनट सर्वाइव किया, ये चीजें नहीं मैटर करेगी, मैटर करेंगी आपकी इन गेम एक्शंस। एंड इसी तरीके से अगर आप लोग चैलेंज पॉइंट्स को एक लेवल तक कर देते हैं तो आप अपने डिडक्टेड रैंकिंग पॉइंट्स को कम कर सकते हो। बेसिकली 6 चैलेंज पॉइंट्स पे आप एक रैंकिंग पॉइंट प्लस कर सकते हो, यानी कि अगर आप लोग के पास 30 चैलेंज पॉइंट्स है एंड अगर आप मैच खेलते समय आपको माइनस लग जाता है, समझ लो -5, तो 30 चैलेंज पॉइंट्स का होता है टोटल स्कोर +5। तो बेसिकली गाइज आपकी रैंकिंग बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगी, आपको उस मैच के पॉइंट्स रहेंगे 0। एंड गाइज चैलेंज पॉइंट्स की मैक्सिमम एक्यूमुलेशन लिमिट है 150, इसके ऊपर आप इसे एक्यूमुलेट नहीं कर सकते एंड इन चैलेंज पॉइंट्स को आप आने वाले नेक्स्ट सीजन में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं साइकिल रिवॉर्ड्स की। तो गाइज इस नए अपडेट के साथ मल्टीपल सीजन्स को एक सीरीज में इंटीग्रेट किया गया है एंड ये साइकिल रिवॉर्ड्स चलने वाले हैं साइकिल 1 सीजन 1 से लेके साइकिल 1 सीजन 3 तक। एंड आप कंटिन्यूअसली 3 सीजन तक आपने हासिल किया हुआ टीयर या फिर उसके ऊपर हासिल करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये वाला रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज अगर आप S1 से लेके S3 तक हर सीजन में एस बैच लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक एक मेडल। एंड अगर आप लोग ऐसे ही 3 मेडल्स कॉन्सिक्यूटिवली कलेक्ट कर लेते हो तो एंड ऑफ द सीजन 3 आपको मिल जाएगा साइकिल रिवॉर्ड जो है एस स्टैंप रिवॉर्ड। एंड यही चीज डायमंड, क्राउन या फिर एस टीयर, तीनों टीयर्स पे एप्लीकेबल रहेगी। यानी कि आप लोग कंटिन्यूअसली 3 बार 3 सीजन में डायमंड पे ही चले जाते हो तो आपको डायमंड वाला रिवॉर्ड मिल जाएगा, क्राउन जाते हो तो क्राउन वाला, या फिर अगर एस जाते हो तो एस टीयर का रिवॉर्ड। स्क्रीन के यूजर इंटरफेस को भी अपडेट किया है तो बैच सिस्टम, सीजन आर्काइव, सारी चीजें आप यहीं पे देख पाओगे। सीजन स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। जैसे आप इस एक्सपैंड बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये येलो कलर की लाइन जिसे हम लोग कहेंगे रिवॉर्ड ग्रोथ लाइन। तो इसे देख के आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपने कौन कौन से रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए है एंड जैसे आप टीयर अप होते जाएंगे आपको कौन कौन से रिवॉर्ड्स और मिलने बाकी है। एंड इसी के साथ गाइज आप लोग को अपने फ्रेंड्स का टीयर प्रोग्रेस भी यहाँ पे दिख जाएगा। रिवॉर्ड्स डिटेल स्क्रीन को भी यहाँ पे पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। एंड गाइज अब टीयर अप के आइकन्स एंड उनके लेवल अप इफेक्ट्स को भी अपडेट किया गया है।
मिनी टीवी रे एक ऐसा फीचर है जो आपको ऑलरेडी लॉबी में मिल ही चुका है, तो मिनी रे आपको लॉबी में संदेश, अलर्ट्स और घोषणाओं के बारे में सूचित करता रहेगा। सो बेसिकली गाइज, मिनी रे आपको नोटिफाई करता रहेगा रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैसेज, अलर्ट्स एंड अनाउंसमेंट्स। रॉयल पास के अंदर एक न्यू पर्क को ऐड किया है जिसका नाम है आरपी रिस्पेक्ट, जिसकी मदद से आप अपने टीममेट को इन गेम रिस्पेक्ट दे सकते हो। आप अपने टीममेट को मैच के टाइम पे किसी भी समय रिस्पेक्ट दे सकते हो एंड उसके बाद चैट हिस्ट्री में वो मैसेज भी डिस्प्ले किया जाएगा। इन गेम चीटर्स या फिर हैकर्स को टैकल करने के लिए डेथ रिप्ले के अंदर भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स की गई है। सेटिंग्स के अंदर जाके आपको डेथ रिप्ले ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आप जब भी इन गेम फाइट लेते समय एनिमी के द्वारा फिनिश हो जाओगे तो आप डेथ रिप्ले में जाके प्लेबैक फीचर का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा डेथ रिप्ले देख सकते हो। एंड इसे देख के आपको कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो साथ ही में दिए गए रिपोर्ट बटन की मदद से आप उसी समय उस प्लेयर को रिपोर्ट कर सकते हो। एंड गाइज, अब आप लोग जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जब जायरोस्कोप एक्टिवेट होगा एंड आप लोग फायरिंग कर रहे होंगे तभी टिल्ट कैमरा की सेंसिटिविटी भी बदली जा सकती है। इसी के साथ आपको और एक सेटिंग मिल जाएगी जिसका नाम है जायरोस्कोप रिवर्स। अगर आप इस बटन को ऑन करते हो तो जायरोस्कोप का ऊपर एंड नीचे वाला फीचर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगर आप डुओ या फिर स्क्वाड मैच खेल रहे हो एंड अगर आपका टीममेट एक बैटल में एंगेज हो चुका है एंड उसे डैमेज भी हो रहा है तो गाइज उसके हेल्थ बार के अराउंड एक इस तरीके का लाल कलर का ब्लिंकिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका टीममेट एक लड़ाई में एंगेज्ड है। न्यू क्लैन पीके मोड, तो गाइज जिन क्लैंस की एक्टिविटी पॉइंट सिमिलर है वो लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं फॉर अप टू 14 डेज एंड जो क्लैन विन करेगी उनको मिल जाएंगे काफी सारे रिवॉर्ड्स। कुछ लो स्पेसिफिकेशन वाले डिवाइसेस के ऊपर स्मूथ से भी नीचे वाला एक ग्राफिक ऑप्शन जो है सुपर स्मूथ, इसे भी अवेलेबल करके दिया गया है। एंड अगर हम लोग ग्राफिक्स की बात करें तो गाइज अभी कुछ डिवाइसेस के लिए 90 FPS इन स्मूथ ग्राफिक्स भी अवेलेबल हो चुका है एंड इसी के साथ गाइज काफी सारे बेसिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स भी आपको गेम में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज एंड होपफुली मैंने आपके साथ कुछ ऐसे फीचर्स शेयर किए हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते थे या फिर उससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ डाउट्स थे। एंड इसके अलावा गाइज मेन चीजें, नए फीचर्स तो आपको मैं ऑलरेडी अपने पहले वाले वीडियोस में दिखा ही चुका हूं। अगर नहीं देखे तो गाइज आई बटन पे चेक कर लीजिए, आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो गाइज वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना एंड ऐसी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले एंड एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो गाइज अब इंतजार किस बात का है, चिकन डिनर का टाइम आ चुका है। सो आई विल सी यू ऑन द बैटल ग्राउंड्स।